brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रचलित लाडली बहना योजना की मई के महीने की राशि कब महिलाओं के खाते में आएगी, ये सवाल आजकल सभी महिलाओं के जहन में है। वजह है क्योंकि जनरली ये राशि जो है वो पहली तारीख को महीने की आ जाती है, लेकिन दो तारीख बीत जाने के बाद भी आखिरकार ये राशि क्यों नहीं आई है और कब तक आएगी, इसका जवाब खुद सीएम मोहन यादव ने दिया है। कब आएगी लाडली बहना योजना की राशि, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में मील का पत्थर साबित हुई लाडली बहना योजना, प्रदेश की सबसे प्रचलित योजनाओं में से एक है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू की गई थी। जब ये योजना शुरू गई थी तब हर महीने की 10 तारीख को इस योजना की राशि महिलाओं के बैंक अकाउंट्स में जमा होती थी, लेकिन चुनाव के बाद और मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये हर महीने की 1 तारीख को जमा होने लगी। लेकिन मई के महीने में 1 तारीख बीत जाने के बाद भी लाडली बहना योजना की राशि महिलाओं के खाते में नहीं आई, ऐसे में सभी के जहन में ये सवाल उठा कि आखिर ये राशि कब आएगी। आपको बता दें कि इसके बारे में खुद सीएम मोहन यादव ने जानकारी दी है। पहले तो सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया था कि लाडली बहना योजना की राशि जो है वो मई की 5 तारीख को खातों में जमा हो जाएगी, लेकिन क्योंकि 5 तारीख को रविवार है यानी कि संडे है, इसके चलते बैंक हॉलिडे होता है और इसीलिए अब सीएम मोहन यादव ने ये ऐलान किया है कि 4 मई को लाडली बहना योजना की राशि जो है वो तमाम हितग्राहियों के खाते में जमा कर दी जाएगी। ये लाडली बहनों के लिए बहनों में बहुत सारी हालात में आप चिंता मत करना बहनों, कहने के लिए मैंने 5 तारीख बोली है, लेकिन 5 तारीख को रविवार फंस गया तो एक दिन पहले ही आपके लिए लाडली बहना का पैसा आपके खाते में आएगा 1250 रुपया महीना। कोई चिंता मत करो, कांग्रेस हाय रे भाजपा, हाय रे भाई साहब, कहां से ला रहे हो, कहां से ला रहे हो, अरे कैसे भी ला रहा, तुम्हारे से नहीं मांग रहे भाई। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल उठा रही है, खासतौर पर लाडली बहना योजना को लेकर सवाल करती नजर आ रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस का ये आरोप है कि चुनाव के बाद लाडली बहना योजना जैसी योजनाएं बंद हो जाएंगी, वहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाडली बहना योजना की राशि 3000 रुपये तक किए जाने के वादे के पूरा ना होने का आरोप भी लगातार कांग्रेस और जीतू पटवारी उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या फिर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा या फिर खुद शिवराज सिंह चौहान ये साफ कर चुके हैं कि लाडली बहना योजना और उसके जैसी दूसरी योजनाएं प्रदेश में बंद नहीं होगी। फिलहाल आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि इस महीने की 4 तारीख को लाडली बहना योजना के तहत जो राशि मिलती है 1250 रुपये की, वो तमाम महिलाओं के जो इस योजना के हितग्राही हैं उनके खातों में जमा कर दी जाएगी। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।